हेलो फ्रेंड, मैं राकेश रोशन, लर्न टेक टू टेक चैनल से। और ये मेरा आर प्रोग्रामिंग का नेक्स्ट वीडियो है, जिसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे फंक्शंस। कैसे हम यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं आर प्रोग्रामिंग में, और उसको किस तरह से हम आसान तरीके से उसको बना सकते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हम फंक्शंस टॉपिक देख रहे हैं, तो फंक्शंस किसको बोलते हैं? अगर आप मैथमेटिक्स में देखे हो तो इस तरह के इक्वेशंस को हम फंक्शन बोलते हैं, जहाँ पर एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो दिस इज द वेरी सिंपल फंक्शन जो कि आपके दो वेरिएबल एक्स और वाई को ऐड कर रहा है। बिल्कुल इसी सिंपल तरीके से हम आर प्रोग्रामिंग में अपने खुद का फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो बात करें फंक्शन में होता क्या है, तो आप फंक्शन को हमें कुछ इनपुट्स देना पड़ता है एज एन आर्ग्यूमेंट। अगर हम बात करें तो हमें एज ए आर्ग्यूमेंट कुछ इनपुट्स देने पड़ते हैं, आपके जो फंक्शन है वो कुछ प्रोसेस करेगा, और अल्टीमेटली प्रोसेस करने के बाद कुछ आउटपुट वो हमें प्रोवाइड करेगा। इसी को हम फंक्शन कहते हैं। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना हम देखते हैं कि फंक्शन को हम कैसे जो है आर स्टूडियो में या आर प्रोग्रामिंग में कैसे क्रिएट करेंगे। पर फ्रेंड, इससे पहले जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर ले, और बगल में जो बेल उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ जिसको मैं लिखता हूँ एफ यू एन वन। तो मैं फन वन के नाम से एक फंक्शन बनाता हूँ, और फंक्शन बनाने के लिए जो कीवर्ड होता है वो है फंक्शन, और उसके बाद हम यहां पर लिखते हैं करली ब्रैकेट। तो चलिए यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहां फंक्शन में करली ब्रैकेट हम लिखते हैं, पर उससे पहले हमें आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा। ठीक है, तो सपोज देट हमारा आर्ग्यूमेंट है एक्स कोमा वाई। अब यहां पर हम लिखना चाहते हैं एक्स, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर स्क्वायर देने के लिए, जैसे आपको पता है कि हम कैप यूज करते हैं, तो यहाँ पर हमने एक फंक्शन क्रिएट किया जिसमें दो वेरिएबल है एक्स वाई, और यहाँ पर ये फंक्शन जो है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का है। इसका मतलब हम जब भी एक्स और वाई की कोई वैल्यू देंगे, ठीक है, तो ये उसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकाल के देगा। अब इसको कॉल कैसे करना है, या आप बोले तो यूज कैसे करना है, तो मैं 5 2 3 लिखता हूँ। तो ये जो 2.3 है वो चला जाएगा इस एक्स वाई के अंदर, और फिर 2² + 3² ये प्रिंट करेगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं 2² + 3² क्या होता है, 13। तो यहाँ 2² 4 और 3² 9, तो 9 + 4 13। तो यहाँ पर आपने देखा कितने आसान तरीके से आपने अपना एक फंक्शन क्रिएट कर लिया। अगर आप 5 6 दे रहे हैं तो दैट इज 61, 5² + 6² तो ये आपने देखा कितने आसान तरीके से आपने एक फंक्शन को क्रिएट कर लिया। इसी तरह आप अपने यूटिलाइज या अपने जरूरत के हिसाब से आप फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं, और फिर आप अपने प्रोग्राम्स या अपने कमांड्स या जो भी एनालिसिस कर रहे हैं उसके डेटा को उस फंक्शन में आप डाल सकते हैं और अपने रिजल्ट को देख सकते हैं। तो आपने देखा किस तरह से जो है आप अपना फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। और भी अगर आपको फंक्शन क्रिएट करना है तो मैं फिर से एक एग्जांपल दे देता हूं। यहां पर मैं फन वन और उसके बाद मैं लिखता हूं फंक्शन। इस बार मैं 3 वेरिएबल का लेता हूँ एक्स वाई जेड, और उसके बाद यहाँ पर मैं कुछ एक इक्वेशन लिखता हूँ एक्स स्टार y प्लस वाई स्टार जेड प्लस जेड स्टार एक्स, और ये आपका फंक्शन तैयार हो चुका है। तो मैं यहाँ पर फन वन और 2 3 वैल्यू देता हूं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 11 आ गया। तो यहाँ पर मैंने फंक्शन बनाया एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का, और इस तरीके से जो है आप पूरा फंक्शन क्रिएट कर सकते हो और उसके रिजल्ट्स आप देख सकते हो। तो चलिए फ्रेंड, आई होप कि आपके वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें अभी भी कोई डाउट है, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर ले, और बगल में जो बेल से जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन एंड लाइव सेशन के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।